राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों भाई? ये बताइए, क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है? तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण क्षत्रिय यादव जाट कितने हैं ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी जी, सवाल 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 विवेक जी, छोटा सवाल जी। जो सदियों से अत्याचार किया किसने किया? दलितों के ऊपर किसने किया? बैकवर्डों के ऊपर? एक सेकंड। मेरा निवेदन ही है, वो सवाल पूछ रहे महाराज जी से, तो महाराज जी जवाब दे देंगे। नहीं, आपको मौका दे रहा हूँ, आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं। देखिए मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूँ। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी। सुनिए सुनिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ, अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? नहीं, देखिए किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं, अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया, आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता, मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूँ, हर कथा में ये बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहां भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य जदवैश्या पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं। भाई भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते? ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? भाई भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई भाई है। एक सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था उसके लिए तो ठीक बैठती है, आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके, ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के 3rd नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं, तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हैं कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहां वो धर्म की शिक्षा लें, तो टेक्नोलॉजी का पुरानी है। आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका, आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है, ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा।
इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है। एक आज का बच्चा हमारे पास भी है, गोपाल शरण जी हैं, छोटे गुरु जी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन से हैं। अब देखिए ये छोटा बच्चा है जी, ये भारत की संस्कृति, ये भारत है, ये है भारत जी। मैं आपसे एक सवाल कर दूं इस बच्चे के लिए, जितने संस्कार इस बच्चे में, आज ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी प्रश्न होगा। पाकिस्तान का जो आप बात कह रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक जी। अब बताइए, अब बताइए आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीव धर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ जी। जी लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरु जी हैं, गोपाल शरण जी, और आप तो खुद भी बहुत अच्छा गोपी गीत गाते हैं, सुनाते हैं। आइए आइए, आप यहां भी रहते हैं, आप सुनाइए, जोरदार तालियां जी, सुनाइए। इस गीत का नाम गोपी गीत कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर जी सब गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रास रच रहे थे, तो गोपियों को अभिमान आ गया, देखो ठाकुर जी हमारे साथ रास रच रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और फिर गोपी ने रोके इस गीत को गाया, इसलिए इस गीत का नाम पड़ा गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रेठेन्दिरा सस्वतत्र हि दैत्य दृश्यतां दिक्षुतावकाष्टि दृता सवस्त्वं विचिन्वते सरदुदासै साधुजाति स सरसिजोडर श्रीमुसादृशा सुरथनाथते शुल्कदासिका वरधनिक्नतो नेह किं वध। आप कुछ पूछना चाहते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी? बहुत सुंदर। देखिए हम तो बड़े प्रसन्न हैं, देखिए ये भारत की संस्कृति है, ये बच्चे भारत का भविष्य हैं, और ये बच्चे आप ये मत सोचिएगा कि केवल संस्कृत जानते हैं और वेद पुराण ही जानते हैं, ये बच्चे ही आगे चल के विज्ञान को भी जानेंगे, अंतरिक्ष को भी जानेंगे, यही बच्चे और तरीके से जानेंगे, यही बच्चे आगे चल के सैटेलाइट भी बनाने की क्षमता रखेंगे। चलिए जोरदार तालियां इस बालक के लिए। आपने कन्वर्जन की बात करी, हाँ। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनके इतने फॉलोअर्स हैं वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी सुनिए मदर टेरेसा, बस दस सेकंड बोलूंगा मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है, एक औरत के ऊपर चीटियां चढ़ी थी और इस देश में लोग चलते जा रहे थे सड़क पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और वो लड़की